हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पीसी वॉर्स के बारे में। अगर आप लोग को दोस्तों याद हो तो मैं अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा था जिसका नाम है इंडियन पीसी वॉर्स, और संडे दोस्तों एक ऐसा दिन होता है जब मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ। आज दोस्तों संडे है लेकिन आज इंडियन पीसी वॉर्स की कोई भी वीडियो नहीं आई। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन दोस्तों ये है कि वहां पर सबमिशंस जो थे वो काफी ज्यादा आने लगे थे और एक मैनर में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, जिससे कि दोस्तों मुझे सेटअप ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो यार थोड़े नए रूल्स बनाए जाए जिससे कि केवल वही लोग पार्टिसिपेट करें जो लोग इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। जितने भी सेटअप दोस्तों मैं फीचर कर सकता था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फीचर कर दिया है। अगर आपका दोस्तों सेटअप अभी तक चैनल में फीचर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हो सकता हो आपका सेटअप जो है वो एलिमिनेट हो गया हो। यहाँ पर दोस्तों नए रूल्स के बारे में बात करते हैं। नए रूल्स आज से एप्लीकेबल है। अगर आपका सेटअप अभी तक फीचर नहीं हुआ है तो अब आप जो सेटअप अपना भेजेंगे वो इस रूल्स के हिसाब से ही भेजेंगे। नाउ बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट 12 फोटोज की जरूरत पड़ेगी अपने सेटअप की। 12 से आप ज्यादा भी भेज सकते हैं, कम बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। जितनी भी फोटोज आप भेजेंगे वो सब की सब लैंडस्केप मोड में होगी। एक भी फोटो पोर्ट्रेट मोड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में जब आप भेज देते हैं तो वो वीडियो में फिट नहीं बैठती है। 12 पिक्स में आपको कौन कौन सी पिक्स कैसे कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 आपको फुल पिक्स लेनी है अपने पूरे सेटअप की, जिसमें आपका पूरा का पूरा सेटअप दिखे, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, आपकी डेस्क, आपकी चेयर या जिस पर आप बैठते हो, आपका कैबिनेट, सारी चीजें 2 पिक्स के अंदर दिखनी चाहिए। दोनों पिक्स दोस्तों सिमिलर नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से ली गई हो। 3 पिक्स दोस्तों आपके फ्रंट की हो, जहां से आपको टेबल का व्यू जो मिलता है, ताकि आपका मॉनिटर, आपके डेस्क पे क्या क्या है, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस और मॉनिटर या जो चीजें आप अपने टेबल पर यूज करते हैं। मिनिमम फोटोज दोस्तों आपको 3 लेनी है और तीनों अलग अलग एंगल से लेनी है। 2 फोटोज दोस्तों आपको टेबल टॉप की लेनी है, ताकि ये चीज क्लियरिफाई हो सके कि आप टेबल टॉप के ऊपर क्या क्या चीजें रखते हैं और क्या क्या चीजें आप रेगुलर यूज करते हैं। 1 फोटो दोस्तों आपको अपने टेबल का बैक साइड पोर्शन का लेना है, ताकि ये देखा जा सके कि आपका केबल मैनेजमेंट टेबल के पीछे कैसा है। 2 फोटोज दोस्तों आपको अपने कैबिनेट के अंदर के लेने हैं, ताकि ये चीज क्लियरिफाई हो सके कि आप अपने कैबिनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं और उसका केबल मैनेजमेंट जो है वो कैसा है। और लास्ट की बची हुई 2 फोटोज में आप अपने पेरिफेरल्स की भी डाल सकते हैं। 12 से ज्यादा पिक्स हो जाएंगी तो भी कोई बात नहीं है, आप जितनी चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। पिक्स क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक फाइल का भी लिंक आपको दे दूंगा, जहां पर एक फॉर्म दिया हुआ है। आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है और उस फॉर्म को पिक्स के साथ अटैच करके एक रार फाइल बना लेनी है। रार फाइल दोस्तों जब बन जाए तो वो रार फाइल दोस्तों आपको मुझे ईमेल कर देनी है। ईमेल करने का दोस्तों प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपको बस करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल दिया हुआ है, वहां पर दोस्तों आपको मेल कर देना है। और बस एक चीज का ध्यान ये रखना है, सब्जेक्ट में जहां पर आप ईमेल में सब्जेक्ट डालते हैं वहां पर आप अपनी कैटेगरीज भी डाल दें, जिससे कि दोस्तों मुझे आपका सेटअप ढूंढने में और फीचर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दोस्तों था पूरा का पूरा प्रोसीजर। मैं आपको एडिशनल टिप्स भी दे रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ये कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं। टिप नंबर 1 दोस्तों केवल यही है कि पिक्स लेते समय आप इंश्योर कर लें कि लाइटिंग जो है वो अच्छी हो। फ्लैश का यूज दोस्तों बिल्कुल भी ना करें और ज्यादातर कोशिश यही करें कि डे टाइम में ही पिक्स क्लिक करें। दूसरा सजेशन दोस्तों मैं आपको यही दूंगा कि जो है अपने सेटअप को क्लीन कर लें एक बार। मानता हूं दोस्तों हर किसी का सेटअप दिखने में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार पिक क्लिक करने से पहले आप क्लीननेस तो थोड़ी बहुत कर ही सकते हैं। रैंडम स्टफ जो आपके टेबल टॉप पे रहता है उसको हटा सकते हैं और थोड़ा बहुत दोस्तों आप केबल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों ये थे रूल्स। आशा करता हूं अब जितने लोग केवल इंटरेस्टेड होंगे वही लोग दोस्तों पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपका भी सेटअप दोस्तों प्रीवियस वीडियो में फीचर नहीं हुआ था और आप चाहते हैं कि आपका सेटअप फीचर हो, तो आप दोस्तों ये नए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके अपना सेटअप दोस्तों वापस से भेज सकते हैं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।